अपने बात करें ब्राउन स्पीशीज की। इसकी उत्पत्ति क्या है, इस नस्ल की उत्पत्ति क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पर किस इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका रंग होता है ना वो क्या भूरा रंग की होती है ये, और ये क्या गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है इसमें ना, ये नस्ल होती है ब्राउन स्पीशीज के अंदर क्या जो विदेशी नस्लें हैं ना उनमें सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता इसमें होती है, और इसका दूध उत्पादन वो क्या होता है 250 लीटर प्रति ब्यांत के अंदर होता है, ठीक है, और वसा फैट क्या होती है 4% होती है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जो हरियाणा में करनाल में है ना, उसने क्या किया है साहिवाल और ब्राउन स्पीशीज का क्रॉस कराया, जिससे क्या है कर्ण स्पीशीज नस्ल उत्पन्न हो रही है। एक इस चीज एक क्या है साहिवाल का ब्राउन स्पीशीज कराते हैं तो क्या है कर्ण स्पीशीज होती है, और क्या है अपने साहिवाल का HF के साथ क्रॉस करेंगे ना तो क्या है कर्ण फ्रीज नस्ल उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है तो ध्यान रख लेना।